कहाँ कोई बोर्ड लगता है जी, पालीगंज में हम लोग देख रहे हैं कहीं रामकृपाल के बोर्ड है। पाटलिपुत्र का माहौल तो इस बार भाई महागठबंधन को जा रहा है, इंडिया गठबंधन को जा रहा है। 10 साल में हुआ कि नहीं हुआ लगा तो जनता खोज रहा है, आपकी टंटा लेके खोज रहा है जनता की आइए। पूरा हो चुका है 10 बरिस, तो 10 बरिस पूरा हो चुका है उनका। अब उनका दिमाग जो है से अभी सही नहीं है, देख ही लिए है कि उल्टा पुलटा बयान वो विधानसभा से लेके बाहर तक दे रहे हैं। एनडीए को 4000 सीट दिलवा रहे हैं। नमस्कार, मेरा तस्वीरें अभी फिलहाल मीसा भारती के कार्यकर्ता मीटिंग से लोग निकले हुए हैं और किस तरह की मुद्दाओं पे ज्यादा जोर देने की बातचीत की गई थी। फिलहाल हमारे साथ है मुखिया जी, है उनसे ही बातचीत करेंगे। और कहीं बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग आए यहाँ पर। क्या कुछ कार्यकर्ता मीटिंग में निर्देश दिया गया जो कहने लायक है उसे आप कह सकते हैं? बाकी कुछ बातें, हाँ बहुत सी बातें होती है जो गोपनीय भी है, लेकिन कार्यकर्ता बैठक में हम लोग का यही है कि महागठबंधन के जो इंडिया गठबंधन के सारे दल के जो है एक साथ मिलकर हम लोगों ने आह्वान हुआ है, सारे लोग मिलकर मीसा भारती जो हमारे यहाँ के उम्मीदवार है उनको हम लोग को भारी मतों से विजयी बनाना है, गरीब गुरबा की आवाज़ को बुलंद करना है, आरक्षण को बचाना है। और यहाँ पर जो रेलवे के जो स्थानीय मुद्दा है वो भी हावी है, हम लोग को मीसा भारती जी ने कहा है कि अगर वो जीतती है रेलवे तो 2019 तक की रामकृपाल बनवा रहे थे लेकिन लेट कहा हो गया। उनका आश्वासन है 10 साल उनका पूरा हो चुका है, 10 बरिस तो 10 बरिस पूरा हो चुका है उनका। अब उनको आने के लिए नहीं है, चेहरा से उनका साफ झलक रहा है कि उनको इस बार आने वाले नहीं है। गांधी मैदान में उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा था कि इस बार जो है कोई मुकाबला मेरा नहीं है, जनता का मुकाबला है। हाँ उनका मुकाबला नहीं है, वो भैया मुकाबला से बाहर है, वो मुकाबला उनका कहाँ है, रहते तब ना, मुकाबला से बाहर है, भैया नहीं है। मोदी जी के चेहरे पे कहे सांसद लोग जो है मोदी जी के चेहरे पे ही लड़ रहे हैं, कोई काम नहीं है, इस पे क्या कहे? तो मोदी जी भी तो काम गिना है, उनका भी तो 10 साल में क्या किए बताइए, एक काम उनको बताने बताइए, खाली हिंदू मुस्लिम करते हैं वो, कहाँ उनका भी कुछ काम है? बहुत सारा काम किया, 5 किलो राशन भी का तो दे रहे हैं। 5 किलो राशन कैसे दे रहे हैं सर, समझ में आ रहा है? प्रति परिवार पहले मिलता था कि राशन चीनी सब काट के आपको मिल रहा है राशन 5 किलो, 10 किलो 20 किलो पहले मिलता था, अब मिल रहा है 5 किलो। ठीक है, 15 लाख वाला का हुआ आया हुआ कि नहीं आया? 15 लाख वाला तो जनता खोज रहा है, आपकी टंटा लेके खोज रहा है जनता कि ये 15 लाख रुपया हमारा कहा गया, खाता खुलवाए थे जनधन में सबके ना, तेजस्वी यादव नौकरी दिए थे उस पर नीतीश कुमार कहे है कि इस बार जाँच होगी कैसे नौकरी मिल गई और जिस तरीके से पोस्टिंग की मामला को लेकर उन्होंने बोला खुले मंच से, तो क्या लगता है इस बार नीतीश कुमार जैसे ही इलेक्शन बाद जो है कहे हैं कि हम जांच करवाएंगे? मुखिया तो वही थे ना नीतीश कुमार जी, तेजस्वी तो उप मुख्यमंत्री थे, मुखिया वही थे, तो अपने पर जांच करवाएंगे। उनका दिमाग जो है से अभी सही नहीं है, देख ही लिए है कि उल्टा पुलटा बयान वो विधानसभा से लेकर बाहर तक दे रहे हैं। एनडीए को 4000 सीट दिलवा रहे हैं और जो संसद में जो महिलाओं के लिए वो असंसदीय भाषा बोले उसे तो संसार उनको हो जाना चाहिए था, उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए था, ऐसा असंसदीय भाषा बोले हैं उन्होंने, उनको तो संन्यास लेना चाहिए था, उनको खुद सोचना चाहिए था कि मेरा दिमाग अब काम नहीं कर रहा है। बीजेपी की तरफ से कहे तो बीजेपी 2 पार्टियों को तो अब बिल्कुल समझिए कि मिटा चुकी है, उनके विधायकों को, लेकिन क्या लगता है इस बार चिराग पासवान को बुझ पाएंगे कि उनको भी मिटाना ही है? बीजेपी चाचा को तो मिटा दिया, बीजेपी सबको पारापारी खत्म करेगा, उनके साथ जो जो सटा है ना, ये किसी का मतलब कि जो गरीब बुढ़वा के जो बात करेगा ये लोग भले लोभ में भी सटे हुए हैं और बीजेपी इनको उपयोग करके अपने में ही लोग के खत्म कर देगा, ये मिला के हाँ खत्म कर देगा इन लोग के। क्या माहौल है पाटलिपुत्रा का? पाटलिपुत्रा का माहौल तो इस बार भाई महागठबंधन को जा रहा है, इंडिया गठबंधन को जा रहा है। 10 साल में यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं कुछ भी नहीं किए, रेलवे के जो हम लोग आंदोलन किए थे 8 दिन हम लोग अनशन पर बैठे रहे थे उसमें भी जो उन्होंने आकर जो अथी किया था वो हम लोग के साथ अभद्र व्यवहार किया था हम लोग आंदोलनकारियों के साथ, उसका भी खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। देखा जाए तो पाटलिपुत्रा में 10 साल रामकृपाल यादव रहे हैं और खास करके यादव वोट पे उनका जमीनी हकीकत दिखता है कि वो साथ है नहीं। एक आध दुका लोग हैं तो सब लोग कितना साथ रहेंगे, काम अब कुछ कभी नहीं कीजिएगा, कहाँ कोई बोर्ड लगता है जी, पालीगंज में हम लोग देख रहे हैं कहीं रामकृपाल के बोर्ड है, एगो बोर्ड नहीं है रामकृपाल के, तो कमो तो देखेंगे कि हिंदू मुस्लिम के चाशनी है लेमचू से हम लोग कई दिन चटके रहेंगे। इस बार तो रामकृपाल यादव भी मुस्लिम पे हमला बोले हैं कि सारी प्राथमिकता मुस्लिमों को दी जाता है, ऐसा है क्या? कुछ नहीं करने वाले, ये लोग सब सिर्फ ढोकसला है, नहीं ये लोग चुनावी जुमला है लोग का और कुछ नहीं लोग का है। हमारे साथ थे मुखिया जी और मुखिया जी ने अपने बेवाकी से बातों को रखा है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जो मेरा नाम भजनलाल कुमार है और देसी न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।